कपूरथला के कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कपूरथला के शेखूपुर में 4 करोड़ तो वध की लागत के नाल नवा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस दे विच घरां विचों निकलदियां हाई वोल्टेज तारां नूं बाहर कढ़िया जाएगा, जिस दे नाल लोकां नूं काफ़ी राहत मिलेगी। दस दिए कि उन्हां दा दावा है कि कांग्रेस सरकार के समय करीब 10 करोड़ की लागत के नाल अजिहे कई प्रोजेक्ट लियांदे गए सन जो बाद दे विच बंद कर दिए गए। राणा गुरजीत सिंह ने मोरिंडा विच वापरी बेदबी कांड की निखेधी भी की है। राणा गुरजीत सिंह ने प्रशासन से कांजली वैटलैंड लई अपने शासन दौरान मिली करीब 4.5 करोड़ की राशि की सही वरतों ना करन दा दोष भी लगाया। जलंधर लोक सभा जिमनी चोन लई कांग्रेस पार्टी की चोन प्रचार कमेटी के इंचार्ज राणा गुरजीत ने मुड़ दावा किया कि इस सीट कांग्रेस की ही है ते कांग्रेस ही जीतेगी। इस बारे राणा गुरजीत सिंह दा होर की कहना है वी जरा सुनो। एजेंसियां दा किसे ना किसे दा कीता और फड़ भी आप ही लिया, और जे किसी भी कोई गल करता कोई कानून तोड़ता वो तरीके ने उत्ते तारा है, वो तारा लाओ, बंदे बंद करो, कानूनी कार्रवाई करो। हुण डिब्रूगढ़ लै जाना और यार इत्थे जेलां नहीं। सो मेरा कहण दा मतलब है जिथे ताई हिंदू सिख की गल है बिल्कुल चिंता करन दी लोड़ नहीं। और कांग्रेस पार्टी जदों जदों आई है उन्होंने कदे हिंदू सिख का सवाल पैदा नहीं होण दिता ते ना कदे होण दिता जाएगा। दिन बहुत नेड़े आ रहा है, कांग्रेस की चढ़ाई हो रही है, कांग्रेस सीट जीतेगी। देखो जे नजर नहीं आ रहा तो वो जांच होनी चाहिए है, जांच करवाई जाए। तो ये गल जरूर है कि जिस मकसद लई आपां नहर दे आले दुआले वो सड़क बनाई सी वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, कम अधूरे ने। उहदे लई मौजूदा सरकार नूं डीसी नूं ये चाहिदा कि उत्थे पार्किंग बनाई जाए। जे पैसे लगे आ नहीं लगे उहदी जांच कराओ। जे तो राणे नूं कोई राणे ने कोई रुपया लिया हो तो राणे नूं चिंता होगी, मैं ना कराओ जांच करदे क्यों नहीं। और जे उहदे च होर पैसे की लोड़ है तो 4.5 करोड़ मान लो करोड़ रुपये होर की लोड़ है, वह लिया के 4.5 करोड़ रुपये का फायदा जनता नूं दिओ, ठीक है, जांच करवा दिओ। गवर्न करना नहीं आ रहा और इत्थे जिहड़े भी इलैक्शन लड़े आ कोल उहदी गल कर लो, आला दुआला की गल कर लो, इन्हां नूं कोई राजनीति या कम्मां कारां बारे पता कितना कराउणे आ नहीं पता। हुण मेरा ख्याल है कि क्रैडिट लैण तां सारे ने जाणा हुणी पीड़ियां पग्गां बन के, लेकिन उहनां दा कोई कम्म नहीं हराणे दा ही आ इन्हां लोकां दा। आ वेखो हैप्पी वेखो, सूर साहब देखो, कुलदीप जी देखो, इन्हां लोकां ने मेरी मैनूं कहा कि होना चाहिए तां पकड़ाया तो मैं कड़े करन दिते आ। यार सरकार दे पैसे आ, जनता दे खर्च किए जाने आ, पैसे आए पे आ, जनता दा काम क्यों नहीं होण दिंदे, क्रैडिट क्यों आप क्रैडिट वॉर च क्यों पैने आ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। राणा जी कल एक घटना जी घटी है मोरिंडा दे विच जिहड़ी बेअदबी जिहड़ी आ वो एक सिख नौजवान वल्लों कीती गई आ, की कहना चाहूँगे? देखो गल आ बेअदबी नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और मैं समझदा ये गल्लां जे हो रही तो सरकार नूं उहदे ते एक्शन लेना चाहिए। और वेखो आ पिछले दिनों च पंजाब च ए स्टोरी बनाती भी यार इहदे बाहरों फौजी लिया के फौजी या CRPF पैरामिलिट्री फोर्सेस लियांदियां और ए पेंट कर दिता कि पंजाब जातवाद आ गया। और ये मैसेज खाली पंजाब च नहीं, पंजाब तो कुछ भी नहीं होया, शाहकोट की है, रोज़ शाहकोट जाइदा, कोई नेते ही जाने तुम सारे की हो गया शाहकोट च? कुछ नहीं होया भाई, 1 लाख फौज सी, पुलिस 80,000 पंजाब की, 20,000 पैरामिलिट्री फोर्स, और कह दो जी बंदा भज गया। ये सब स्टोरी पेंट की आ, अमृतपाल सिंह नूं इन्हां ने भूदणी फड़ लिया सगा, लेकिन जनता नूं की हुण रूप देना चाहुंदे आ,
या तो BJP सरकार दस सकती है और भगवंत मान जी की बहुत वड्डी निखेधी आ। उन्होंने इस पग नूं रोलण की कोशिश की आ, सानू एज अतवादी आ पेंट करके हिंदुस्तान सारे विदेशों च भी कि सारे जिहड़े सिख आ अतवादी है। यार इदां नहीं हुंदा, सिख हिंदू यह कोई दो गल्लां थोड़ी ना, इक्को ही ने। भी मैं दसो कपूरथले च कोई फर्क है? ये पेंट करके BJP ने, BJP की भी और आम आदमी पार्टी की मिली भुगत आ, और ये पेंट करना चाहते हैं सारे हिंदुस्तान के। इन्ने की है भी बाकी सही गल है जी। राणा जी, शेखूपुर पिंड आए हो कि कर? देखो गल कि बड़ी पुरानी डिमांड सी लोगों के घर के उपर दी हाई वोल्टेज तारा जा रही है, तो बहुत जोर लाया 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 या 4 करोड़ रुपया इस काम लई आपां मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री के खाते चो कढ़ा लिया। इत्थे आ गया टाइम सिर आ गया, उहदे बाद कोर्ट लग गया, तो लापरवाही महकमे की भी मैं कहांगा, उन्हां दे खाते 50 लाख रुपया आ गया, बाकी दे पैसे DC दे अकाउंट च पए आ। लेकिन अज 14-15 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, बई वो काम उत्थे दा उत्थे रुक गया। इस तरह 10 करोड़ रुपया भी एक शहर लई मैं मुख्यमंत्री दे खाते चो लेके आया सी कोटे चो। ये सरकार ने उदन तो अज ताई कोई काम नहीं किया। 1.5 करोड़ दे काम चालू हो गए सी। सलवान साहब इधर आओ। 1.5 करोड़ रुपये दे काम चालू ने। अच्छा वो बजरी रेते करके बंद रहे बड़ी देर। 8.5 करोड़ रुपया हले भी वापस चले गया। ये जरा काम आ, ये सारे कपूरथले दे गरीब जनता दे आम जनता दे घरां दे उपर दी जिहड़ियां लाइनां जानियां वो सारियां नूं कटण लई ये अपना काम है। जे कोई इहदा क्रैडिट लैना चाहे कोई वो क्रैडिट नहीं, डिसक्रैडिट है उन्हां नूं कि 14 महीने हो गए सरकार बनी नूं तो काम शुरू ना होए। अज हुण जिवें तिवें करके काम चालू करन जा रहे हैं। देखो ये जो अफसर होंगे आ, अफसर साढ़े वेले भी सी वही अफसर होने, ये तो अफसर का चाकू वर्गा हों, जे डाकू दे हाथ है तो चाकू ने तो ढेडी पाड़ना, जे डाकू दे हाथ है तो ढिड पाड़ के जिंदगी ले लूगा, तो जे डाक्टर दे हाथ है तो उसकी जान बचा दूगा। सो इन अफसर का कोई कसूर नहीं। मैं समझदा सरकार नू सही मायने दे विच गवर्न करना नहीं आ रहा, और इत्थे जिहड़े भी इलैक्शन लड़े आ उहदी गल कर लो, आला दुआला की गल कर लो, इन्हां नू कोई राजनीति या कम्मां कारां बारे पता कितना कराउणे आ।